बारे में कहा जा रहा है, एके मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा, कहा जा रहा है कि वो जाएंगे बंगलोर, ठीक है जी। और दूसरी खबर साथ में आ रही, वैसे ही जाएंगे जैसे प्रफुल्ल पटेल पटना गए थे विपक्षी एकता करने, क्या और पटना से लौटे तो महाराष्ट्र में सरकार ही पलट गई, खेल ही मतलब एनसीपी ही डिवाइड हो गई और एनसीपी सरकार में शामिल हो गई। मिश्रा जी, नहीं अभी रुक जाओ भैया, मिश्रा जी अच्छा, ये स्थिति तो बड़ी विचित्र है। नहीं अमिताभ जी, स्थिति विचित्र नहीं है, स्थिति अस्तित्व को बचाने वाली है। विपक्ष के तरफ से ठीक है इनको बुरा लग सकता है, मैं बोलूंगा कि विपक्ष नव सृजन करे कि जो सृजित किया है अभी तक 20-25 सालों में उसको बचाए। एनसीपी का केस आप देखिए, शरद पवार जी को चाणक्य बोला जाता था, अगर उनको खेला करना होता, बाजी पलटना होता तो पलट दिए होते। पिछली बार तो एक दिन दो दिन में ही उन्होंने खेला कर दिया था। अब बोल रहे हैं हम नई पार्टी फिर से खड़ी कर देंगे। अरे 5 साल 10 साल 20 साल में पार्टियां खड़ी होती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो हर तरीके से बहुत कंफ्यूज्ड और कमजोर हैं। अब देखिए पीडीए का फार्मूला, केवल फार्मूला दे देने से कोई चुनाव तो जीतते नहीं है। आप इतना कंफ्यूज्ड वे में उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हो या उस मैसेज में वो वजन और क्लैरिटी नहीं आ रही है कि जो अपेक्षित रिजल्ट है आपके लिए वो दे पाए। इस मामले में मैं ममता बनर्जी को सही मानूंगा कि वो अपने गढ़ में बैठी हुई है, ना किसी को आने दे रही है ना किसी को जाने दे रही है। तो अपने आप को जब तक ये मजबूत नहीं करेंगे, दूसरे देखिए यहाँ पे है क्या, एनसीपी शिवसेना के भरोसे है, शिवसेना आरजेडी के भरोसे है, आरजेडी टीएमसी के भरोसे है, टीएमसी जो है उधर साउथ में किसी पार्टी के भरोसे है, अपने भरोसे कोई नहीं है। जब तक अपने भरोसे आप नहीं रहेंगे एक छोटे ही एरिया में, आप इतना दम रखिए कि आप छोटे एरिया है तो फिर बीजेपी किसके भरोसे है, ये भी तो बताइए। गठबंधन बनाया आज 6 दलों के साथ है, पुराना साथी को वो याद आ रहा है, बीजेपी किसके साथ है? चाटुकारिता वाली बात नहीं है। आप ये बताइए बीजेपी किसके साथ है? जब आज बीजेपी में अपनी नानी याद आ रही की 2024 का संग्राम कैसे जीता जाएगा, उस बार कांग्रेस नहीं चलने वाली है। मौसम भी बदल गए, मौसम भी बदल गए, जनता का मूड भी बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता के पास जितना सहयोगी दल बनाना बना ले, लेकिन जितना जनता पार्टी के द्वारा झूठ बोला गया देश की जनता के साथ, ठीक उसका हिसाब तो दोनों लोग रुकिए। मैं एक प्रश्न दीपक, मैं यही सवाल लेके एक मिश्रा जी के पास आऊंगा। मेरा कहने ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा है, वो जेल जाएंगे, बेल पे आएंगे, वो जाने उनका काम जाने, ठीक जैसा करनी वैसी भरनी। लेकिन अगर ब्रजभूषण जैसे आदमी ने भी प्रियंका जी जैसी बड़ी नेता को चैलेंज कर दिया मिश्रा जी, तो चैलेंज स्वीकार करके लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा सार्थक कर देना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव के मैदान में धूल चटा दीजिए। नहीं देखिए नहीं, बिल्कुल जाएगा मैसेज जी। इसके पहले सेशन में मैंने यही बात बोली थी जब हमारी आपकी परिचर्चा हो रही थी कि भाई आप जहां हैं राज्य स्तर पे या आपके एमपी एमएलए अपनी जगह मजबूत हो जाइए। मैं बोलता हूं ठीक है, अगर ब्रजभूषण सिंह और प्रियंका गांधी एक ही जगह से चुनाव लड़े, हारे जीते कोई भी हो, लेकिन एक आदमी का कॉन्फिडेंस तो दिखता है। वो इतना कॉन्फिडेंट तो है कि हाँ भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी पार्लियामेंट्री एक तरीके से उनके कहने के हिसाब से जी मेरे कब्जे में है। ये कॉन्फिडेंस मैं विपक्ष में देखना चाहता हूं, ये कॉन्फिडेंस कहीं पे भी नहीं है। रही बात बीजेपी और एलाइज, एक मंत्र दे देता हूं विपक्ष को, राज की बात। इस वक्त बीजेपी एकदम जो वो रामायण वाला बाली था ना, उसके रोल में आ गया है। जो सामने जाएगा आधी शक्ति वो खत्म कर लेता है, खींच लेता है। शिवसेना सामने आई, आधी शक्ति बीजेपी ने खींच ली। एनसीपी सामने आई, आधी शक्ति खींच ली। यूपी में शिवपाल अखिलेश यादव आए, आधी शक्ति खींच ली। भाई इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का कोई समाधान कर लीजिए।
अपने आप मजबूत हो जाएंगे तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। फोकस उस पे करिए, मेरी शुभकामना है सारी पार्टियों को है, भाई आप 500 में से 500 सीटें जीते हमें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इतना कमजोर मैं बोलता हूँ, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जनता के लिए बड़ी लुभावनी भी है, और मैं ये भी बोलता हूँ जनता भी चाहती है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन कर नहीं पाओगे, अभी प्लान बना नहीं है, सारे कैंडिडेट को एक्टिवेट करना, सीटों का बंटवारा, प्रचार करना, जन जन तक जाना, ये आसान काम है? जब तक आप लोग इसको डिसाइड करोगे तब तक तो पता चला चुनाव हो करके इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी दे दिया, फिर आप 2029 के लिए जो है प्रचार शुरू कर देंगे, थोड़ी गंभीरता से लीजिए, चुनाव 5 साल में एक बार आता है सर। जी एके मिश्रा जी, एक लास्ट प्रश्न है छोटा सा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, एक मिनट, पार्टी पॉलिटिक्स से हटके है, पहले हम लोग जब देख पत्रकारिता करने आए थे तो हम लोग देखते थे कि गरीब आदमी नेता के पास जाता था, वो विपक्ष का हो पक्ष का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहता था भाई हमारे साथ पुलिस ने जाती की आप थाने चलो, उसको लगता था नेता बहादुर है, सामर्थ्यवान है, निर्भय है, डरता नहीं है, इसलिए हमारे लिए लड़ सकता है। आज मैं देख रहा हूं सामान्य जनता से भी ज्यादा कायर नेता हो गए, जिसको देखो वो फूट फूट के रो रहा है, कराम को डराते हैं ये लोग रात में, नहीं जैसे छोटे बच्चे रोते हैं रात में, कहते हमको डर लग रहा है खिड़की को लिए, खिड़की के पीछे भूत है, नहीं अजब तमाशा देश भर में बन रहा है कि ईडी वाले डर आ रहे, कोई रो रहा करे कोने में, उस कोने में ईडी वाला रो रहा स्यापा, उस कोने में सीबीआई के लिए कोई रो रहा, उस कोने में कोई इनकम टैक्स के मारे फूट फूट के रो रहा, जनता का पर करूं सिंगार, जनता किसको नेता माने, जो खुद इतने डरे हुए लोग हैं ये जनता के लिए क्या लाठी खाएंगे? मिश्रा जी, जो अपने आप को ना बचा पाए वो जनता को, प्रदेश को और देश को क्या बचाएगा? ये समस्या का समाधान भी इन्हीं लोगों के बीच में है। आप याद करिए, आपने तो वो दिन देखे होंगे, हम लोगों ने नहीं देखे होंगे, जेपी आंदोलन जब चला था तो क्या जेपी आंदोलन को डर नहीं था? ईडी पुलिस सीबीआई ये सारे संस्थान तो तब भी होते थे। बात ईमानदारी की होती है, बात होती है गट फीलिंग की, क्यों नहीं जेपी के ऊपर छापा पड़ा और ब्लैक मनी या कोई ऐसे अपराध के उनके ऊपर एलिगेशन लगे या प्रूफ मिले? और आज की राजनीति में भी जो आदमी खरा है, 24 कैरेट हीरा है, सोना है, उसको ईडी और सीबीआई से कोई डर नहीं है, डर उन्हीं लोगों को है जो कहीं ना कहीं खुद कमजोर है, कुछ गलत किया हुआ है, कहीं ना कहीं उनके प्रूफ अवेलेबल है। तो जब मन से आप हारे हुए हो, आप खुद पता है कि आप गलत हो और आपका राइवल इतना मजबूत हो, तो आप कैसे लड़ेंगे? बहुत बड़ा बलिदान चाहिए असली नेता बनने के लिए, जो आप लोग उम्मीद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा। जनेश्वर मिश्रा शायद ऐसे थे समाजवादी पार्टी में, लोहिया जी इन सब की बात करिए, या उधर से अटल बिहारी वाजपेयी, या कोई, बहुत कद्दावर जिगरा चाहिए, बहुत ऑनेस्ट अप्रोच चाहिए। इन लोगों ने अपने लिए एक झोले के सिवा कभी इनको आपने सूटकेस में नहीं देखा होगा, और यहाँ तो सूटकेस के साथ शायद उसके अंदर 2-2 हजार रुपए, 500 रुपए के नोट भी भरे हो, तो दो में से एक ही चीज कर लीजिए सर। ठीक,